लाइव हर जुर्म का पर्दाफाश। राष्ट्रीय कांग्रेस के आह्वान पर बिंदु खत्ता ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष प्रमोद कालोनी के नेतृत्व में हाथों में तख्ती और सर पे सिलेंडर रखकर प्रदर्शन किया। कार्यक्रम से पूर्व कांग्रेस के कार्यकर्ता कार्यालय पर एकत्रित हुए, जहां से सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए कई मार्गों से पदयात्रा के रूप में जुलूस निकाला। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत कम है और भाजपा की गलत नीति और बड़े पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए बाजार में तेल की कीमत लगातार बढ़ रही है। इससे महंगाई बढ़ती जा रही है और समाज का हर वर्ग दुखी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में कच्चे तेल की कीमतें बहुत ज्यादा थी, इसके बावजूद भी भारतीय बाजार में तेल की कीमतें काबू में रहीं। आज चाहे तेल हो या LPG, सब गरीब लोगों की पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं। और हर ब्लॉक में आज महंगाई के विरोध में हम लोगों ने ब्लॉक अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। इस समय केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, पूरी तरह तानाशाह हो चुकी है। इन लोगों ने महंगाई गैस सिलेंडर में 100 रुपये बढ़ा चुके हैं और हमारा पेट्रोल और जो डीजल है उसको भी 100 रुपये तक कर दिया है, 80 रुपये और 100 रुपये है। तो इस पूरे क्षेत्र में आक्रोश है और हम लोग आज हर ब्लॉक वाइज आज इस रैली को निकाल रहे हैं और इसका सबक इनको 2022 में मिलेगा। पूरे क्षेत्र के गणमान्य लोग, सम्मानित जनप्रतिनिधि लोग और हमारे सभी सम्मानित जितने भी यहाँ पर सामाजिक और धार्मिक लोग हैं, सब लोग यहाँ पर आए और इस प्रोग्राम को सफल बना रहे थे। देश में हाहाकार, पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। जिस हिसाब से लगातार बढ़ती हुई महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल दाम देखिए कहाँ पहुँच गए। जब हमारे सरकार में 34-35 रुपये था थे, तब जाके ये भाजपा लोग आंदोलन करते थे। आज पूरे भाजपा के लोग शांत बैठे हुए, कोई बोलने तैयार नहीं। 100 रुपये लीटर तेल लेने को तैयार है, मगर इसके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं। उनके मुंह में ताला लगा हुआ है, इससे बेहिसाब महंगाई होगी। राशन से लेके गरीब मजदूर तक जरा अपनी अपनी रोजी रोटी नहीं कमा पा रहा, ना खा पा रहा है। अब इससे क्या 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 इससे क्या देश का हित होगा बताइए। के आह्वान पर आज यहाँ पर बिंदु खत्ता ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सभी कार्यकर्ताओं ने एक महंगाई के विरोध में यहाँ पर पदयात्रा निकाली है। आज इस पदयात्रा के माध्यम से हम जनता को संदेश देना चाहते हैं कि जो केंद्र में भाजपा की सरकार है, प्रदेश में जो भाजपा की सरकार है, जिस प्रकार से डीजल, पेट्रोल, गैस और जो जरूरत की सामान की चीज़ें हैं, जिस प्रकार से उन्होंने महंगाई को बढ़ाया है, उसके विरोध में आज हम जनता को जागरूक कर रहे हैं। और हम ये कहना चाहते हैं मोदी जी से कि मोदी जी, आपने 2014 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में आपने जनता से वादा किया था कि महंगाई पर नियंत्रण करेंगे, भ्रष्टाचार को कम करेंगे, लेकिन आपके जो जुमले थे वो सब फेल हो गए। और आज हम इस रैली के माध्यम से मोदी जी को कहना चाहते हैं कि आप 2022 का चुनाव हो चाहे 2024 का चुनाव हो, यहाँ की जनता आपसे कहना चाहती है कि हमें मोदी जी अच्छे दिन नहीं चाहिए, हमें कांग्रेस के वही बुरे दिन लौटा दीजिए, हमें अच्छे दिन नहीं चाहिए। आज इसी रैली के माध्यम से जो आपने डबल इंजन की सरकार के बारे में हमसे वादा किया था, आज उस डबल इंजन की सरकार फेल है और ये जनता मन बना चुकी है कि 2022 के चुनाव हो चाहे 2024 के चुनाव को आपको धक्का मार के ये सत्ता से भी बेदखल करके